हेलो दोस्तों, श्री राधे। आज हम सीखेंगे संज्ञा के बारे में कि ब्रजभाषा में संज्ञा किसे कहते हैं। ब्रजभाषा एक हिंदी का ही रूप है और एक बोली के तौर पे इसे समझा जाता है, इसका दर्जा दिया जाता है। जैसे कि काउ व्यक्ति स्थान वस्तु आदि इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई को नाम रोहन, मोहन, गैया, मूसो, बिल्ली, जेंगरा, नेवला, तोता, ट्रैक्टर, भोज, चावल, मंदिर, गोवर्धन, किसी शहर के स्थान का नाम मथुरा आदि। संज्ञा कई प्रकार की हमते हैं, मतलब संज्ञा कई प्रकार की होती है। संज्ञा के जैसे भेद है भाववाचक संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा, लिंगवाचक, समूहवाचक। तो जैसे भाववाचक में बिन शब्द ने कहे में जाको प्योग काउ गुण या स्थिति को वर्णन करवे को करते हैं। जैसे कि दूसरे इनकी भलाई करवो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो अच्छा ही है वो एक भाववाचक संख्या है। और संख्यावाचक संख्या इस तरीके से है कि यात्री के की संज्ञा बिन शब्दन के बारे में बतावे जो गिनती की जानकारी देते हैं। जैसे दो छोरा गांव की ओर जा रहे हैं, तो जब दो संख्यावाचक है गई और ये बता रहे हैं कि जो छोरा है इनकी संख्या है दो। जो संज्ञा छुरा भी है लेकिन इसमें संज्ञा का टाइप है वो है संख्यावाचक, इसमें बता रहे हैं कि दो छुरा। इसी तरीके से लिंगवाचक, इसमें व्यक्ति, पशु या वस्तु के लिंग की जानकारी मिले। जैसे कि छोरा छोरी, लड़का लड़की, छोरा स्कूल गई है ते, या वाक्य में छोरा पुल्लिंग है, छोरी स्कूल में नाच रही थी, तो छोरी यहाँ पर स्त्रीलिंग है। समूह वाचक संज्ञा कछु वस्तुन और व्यक्तिन को जिक्र एक साथ करने के लिए यहाँ को प्रयोग करते हैं। जैसे ही भैंसन को झुंड, गैयन को झुंड। तो यह तरीका से तुम कह सकें कि संज्ञा हिंदी के जैसे ही ब्रजभाषा में प्रयोग करते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में केवल एक जाति या वस्तु के गुण आदि को बोध हमतो है और बहुवचन में दो या दो से अधिक वस्तु या गुण को बोध हमतो है। ब्रजभाषा में शब्द के पीछे ना लगावे तो बहुवचन बन जाए। जैसे कि एक चिड़िया, मतलब एक चिड़ैया, ज्यादा के लिए चिड़ैयान, कार कारण। जैसे कि भैया चार चिड़ैयन ने उड़ाई हो ना लग गई, बाद मैंने तेन कार ऐसी ना देखी होंगी, बहुत बहुत कार तो ऐसी खड़ी रहे। जैसे कारण ने, कार कारण ने, भैंस भैंसन, किताब किताबन, मेरी सब किताबन ने या किताबन को मेरे थैला में रखते हो। तो हमें एक किताब के लिए एक किताब, लेकिन किताबों के लिए किताबन। सबरे गेहूं की दाने ने तो भैया चिड़िया चुग गई, कुत्तान को तो घुसवे की तो बहुत ही बुरी टेव है, मतलब कुत्तों को तो बहुत बुरी आदत है घर में घुसने की। तो यह है आपकी आज की संज्ञा ब्रजभाषा में या ब्रज की बोली में।